फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है चुनाव में कुत्ते परेशान, राजू श्रीवास्तव कॉमेडी। तो चलो देखते हैं भाई इनकी कॉमेडी क्या कह रहे हैं ये इलेक्शन टाइम में। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले यस, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। और हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कुंभ समाप्त हो गया मगर ये दूसरा चुनाव का कुंभ चालू हो गया। चुनाव अब चारों तरफ गलियों में, मोहल्लों में रैलियां, गाड़ियां, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, झंडे सब ये घूम रहे, नेताओं के भाषण हो रहे हैं। ये सब लबड़ धक्के में सबसे ज्यादा शॉक्ड है परेशान कुत्ते, डॉग्स। जहां वीआईपी की गाड़ी निकलती है हूटर के साथ, कुत्ते क्या होगा भाई, कौन हमारी आवाज निकाल रहा भाई, कोई हमारा भाई तकलीफ में है, यू गॉट इट, कोई कुत्ता रो रहा भाई, क्या हो गया। पुलिस की गाड़ियां निकली, क्या हो गया भैया, ओ भाई बताओ तो सही, क्या भाई के साथ साथ भतीजे भी परेशान है, रो क्यों रहे भाई, बताओ तो सही। किसी ने रटक, ओए कुत्ते बोल मत, चुप चुप, अरे वाह, चुप बोल नहीं सकते तुम, आचार संहिता लगी। कुत्ते है ना, ये कौन सा आचार है जिसे संहिता भाभी बनाती है। खैर तूने कहा छोड़ो, हमें क्या है, हम तो वैसे भी आचार नहीं खाते। लेकिन जो भाषण हो रहे हैं कमाल कमाल, सीरियसली लंबी लंबी छोड़ रहे नेता। एक नेता सरकार पे भड़का हुआ, नो भाइयों बहनों, आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं, ये सरकार आपके साथ धोखा कर रही है। आपको आपको जो पानी मिलता है, आपको जो पानी दिया जाता है, ये शुद्ध नहीं। oh, yeah. इसकी ताकत पहले से निकाल लेती है सरकार। इस पानी के अंदर जो बिजली है, ये बिजली निकाल के चाइना को बेचा जा रहा है। तभी तो जगह जगह पर बांध बनाए जा रहे हैं, डैम बनाए जा रहे हैं। ये आपके साथ धोखा है, मैं कहता हूं ये आपके साथ धोखा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं आपको जागृत कर देना चाहता हूं। एक नेता और किसानों से बात कर रहे हैं। किसान भाइयों, आप मुझे जिताइए, you're funny, मैं आपसे वादा करता हूँ आपके खेत पक्के कर दूंगा। What? उन खेतों में टाइल्स लगवा दूंगा। No. आपके पैर गंदे नहीं होंगे, आपको कांटा नहीं लगेगा, आपको गोखरू नहीं होगा, आप मुझे जिताइए। इतनी लंबी लंबी छोड़ रहे थे कि मंच को गुस्सा आ गया, मंच बर्दाश्त नहीं कर पाया, मंच नेताजी को लेकर भरभरा के नीचे गिर गया। और नीचे वो चार कुत्ते वो इंतजार कर रहे थे इस नेता का, बोले यही है जो हूटर लेके घूमता है। कुत्तों ने ये बरखोट खाया उनकी धोती पकड़ के। खैर दोस्तों, कुत्तों का काम है काटना, उनको कौन रोक सकता है, कुत्ते तो कुत्ते, ये मच्छरों को कौन समझाए। मैं सबसे ज्यादा भड़का हुआ उन मच्छरों से। कल भाई साहब मैंने मच्छरों को बुलाया, रात में उनसे बात की। मैंने कहा भाइयों, आप लोग अपना टाइम क्यों खराब करते हो, हमारा भी टाइम खराब करते हो, पहले यहाँ हूँ फिर घूम के इधर हूँ फिर इधर सामने आओगे फिर इधर जाओगे इधर जाओगे, अरे सीधा काटो और जाओ। मुझे फील आया जैसे काटना है। मच्छर बात को समझ गए। लेकिन दोस्तों मच्छर तो मच्छर है, मगर इंसान का क्या, इंसान कहां समझ रहा है। एक चीज ऐसी है जिसमें हम लोग चाइना से आगे निकलने वाले हैं, जनसंख्या में। जनसंख्या में हम लोग चाइना को हरा देंगे। इतनी भीड़, इतना रश, सड़क पे चलना मुश्किल है भाई साहब। मैं भी यहाँ पहुंचा हूँ, पैदल आया हूँ और जाम में फंस गया था। ट्रैफिक इतना, जाम में आदमी पैदल फंस जाता है। मैं जा रहा हूँ, मोबाइल आया, घंटी बज गई, अब निकाल नहीं पा रहा हूँ, इधर आदमी उधर। मैं भाई साहब एक सेकंड मोबाइल निकाल लिया। अरे अरे हाँ, चार आदमी आगे चल रहे हैं, हाँ दो औरतें पीछे हैं, एक बुढ़ा बगल में है, हाँ फिर सब धीरे धीरे चल रहे, तो मैं क्या करूं, किसको लात मारूं। इतनी भीड़, फुटपाथ पे चलना मुश्किल है। ओह यार, लेकिन
चुनाव में कैंडिडेट घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। एक कैंडिडेट ने एक माता जी से पूछा, माता जी हाथी का ध्यान रखिएगा, हाथी को भूल मत जाइएगा, हाथी का ध्यान रखिएगा। अरे हाथी का हम कहाँ ध्यान रखें, हाथी का ध्यान रखें, इतने बड़े हाथी का हम ध्यान रखेंगे? अरे कोई बकरी होती तो रख लेते, हाथी का ध्यान रखें? नहीं भैया, लेकर मैदान में बांध दो हाथी, हाथी भी घूम रहे। एक नई नवेली दुल्हन दरवाजे पे खड़ी थी, उसको चैनल वालों ने पूछा, हाँ जी आप बताइए कि आप किसको देंगी? ऐसा है भैया, हमारी तो नई नई शादी हुई है, हम अभी ब्याह के आए हैं, तो हमें यहाँ के बारे में तो मतलब ज्यादा मतलब जो है मतलब वो हिसाब से मतलब ज्यादा मालूम नहीं है, तो हमारे आदमी है, अब ये जिसको कहेंगे भी उसी को दे दूंगी। तो फ्रेंड्स मजेदार था कॉमेडी और आजकल के टाइम पे बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। तो ये वीडियो अभी की नहीं है, कुछ टाइम पहले की है, तो उसी टाइप से मतलब अभी भी इलेक्शन चल ही रहे हैं, बंगाल में भी इलेक्शन चल रहे हैं, तो उसी टाइप से सिचुएशन बता रहे हैं कि जगह जगह जो है अलग अलग पार्टीज जो है वो अपना कर रही है प्रमोशन टाइप कैंपेनिंग। तो और इस टाइम तो और भी सीरियस है कि कोरोना है और उस टाइम भी गैदरिंग्स हो रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज अपना करने के लिए, और करेक्टली स्पीकिंग तो बोलना चाहिए इस सिचुएशन में कोई कैंपेनिंग नहीं होगी या कुछ मीडिया वो उस टाइप से हो जाए कि टेलीविजन या कुछ कोई ऐसा कुछ सिचुएशन कर लेते कि लोगों को इकट्ठा करने की जगह कोई और मेथड, तो पर वो तो किया नहीं, तो वो वैसे ही दिखा रहे हैं, उसी के ऊपर बता रहे हैं। और बड़ा मजेदार था जिस तरह से इन्होंने जो बताया कि कुत्तों को ऑब्वियसली अगर आप देखो ध्यान से सुनो हॉर्न के इतने अलग अलग साउंड होते हैं, बट कई बार डिफरेंट डिफरेंट जब कुत्ते होते हैं जिस तरह से बात करते हैं या हाउल करते हैं वो उसी टाइप की कई बार वो वैसे साउंड होता है, और डॉग्स जो होते होंगे वो यही सोचते होंगे शायद, हमें तो पता नहीं, वो कहते होंगे हमारे जैसी आवाजें कहां से गाड़ियां निकाल रही हैं। तो वो काफी मजेदार था। और वो जो बता रहे थे किसान के लिए जी चले गए और बोल रहे हैं, कह रहे हम आपके जो है वहां पे टाइलें लगा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, पक्की जमीन बना देंगे। तो भैया ये सब कर दो तो जो किसान है वो अपनी जो खेत है जो उगाने हैं क्रॉप्स वो कहाँ उगाएगा, कच्चे उसको पक्का कर दिया हो गया काम। तो ये ऐसे ऐसे पॉलिटिशियंस भी है, नमूने टाइप भी होते हैं जो कुछ भी बोल देंगे टू गेट द वोट्स, वही दिखा रहे हैं वो। तो काफी मजेदार था, मजा आया सुनने में। कहा कि काफी अच्छा था अगर उसका कंटेक्स्ट देखे, जैसे वो कह रहे थे कि मतलब बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं, वही कह रहे थे कि किसानों को जो कह रहे थे कि तुम्हारे फार्म्स को पक्का कर दूंगा, तो वो मजेदार था। दूसरा मुझे मच्छर का भी अच्छा लगा, वो भी सही है कि मच्छर क्या 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 है, वो सीधा मारो और चले जाओ भाई, इतना पट पट क्या है, तो वो भी मतलब डेफिनेटली बीच बीच उन्होंने साउंड इफेक्ट्स भी दिए थे, वो भी इंटरेस्टिंग से काफी अच्छा लगा और वेरी नाइस, क्योंकि आप इतने समय से कॉमेडी कर रहे हैं तो आप इनको देख के ही थोड़ी आपको हंसी आ जाती है, तो मतलब ऐसा उनका इफेक्ट हो चुका है, बट वेरी नाइस वीडियो। यस मजा आता था, पर मुझे जो बीच में ये जो उन्होंने वो करा था ना कि कोई लड़की बोल रही है वो करे, वो उस मजे को मुझे फील हो रहा था कि वो किरकिरा, अगर खाली खुद बोल रहे हो ना और बीच में इस टाइप से कुछ ना ला रहे तो और मजा आना था। उससे इनकी परफॉर्मेंस के टाइम जब वो बीच में आता था ऐसे लगता है क्या डिस्टर्ब करने के लिए आ गया है, तो इनका खुद ही का टैलेंट इतना अच्छा है कि उसके लिए कोई बैकग्राउंड में कोई और चीज की जरूरत ही नहीं है, तो काफी अच्छी कॉमेडी करते हैं, तो मजा आया है। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।